आप लोग रोटी खाते हैं, अपने परिवार में सब चीजें करते हैं, क्या आप इस बात को नकार दें कि यहाँ कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रही है? जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप नकार सकते हैं इस बात को? नहीं सर। आपका इसके खिलाफ स्टैंड क्या है? अगर आप यूनाइट नहीं होंगे और आप हर इशूज पे, आप, मैं समझता हूँ ना, एक उंगली का नखून कटा है और आप चुप हो जाते कि नखून कटा है, ये गलत है। जब नखून कटा है तभी आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, जिसने काटा है या कटा है उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते नखून कटा और गला कटने के इंतजार कर रहे हैं तो आप गलती तो कर रहे हैं ना। आप उसको ये एहसास करा रहे हैं कि नखून कटने पे कुछ नहीं कर रहे तो गला कटने पे क्या करेंगे? मैं बहुत संवैधानिक व्यक्ति हूँ, संविधान को मानने वाला, लेकिन मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि मैं बहुत कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान ने मुझे ताकत दी और मेरे जूते में बहुत दम है, मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। मेरी स्ट्रेंथ ना आप लोगों से, नेता नहीं हूं मैं, कोई विधायक एमपी नहीं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ आप लोगों से है। और हम लोग जिस दिन यूनाइट हो जाएंगे ना, मैं आज शर्त लगा सकता हूँ, एट्रोसिटी तो बहुत दूर की तरफ, आपकी तरफ आंख नहीं उठाएगा कोई, लेकिन क्या 71 साल के लोकतंत्र में आज भी हम रोटी कपड़ा मकान और यही लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये एक षड्यंत्र है जो मेरी समझ में आता है। उनको लगता है कि इनको इसी में उलझा के रखो जिससे कि ये तरक्की की तरफ ना कर आगे बढ़ पाए, जिससे कि और किसी विषय में सोच ना पाए। सोचो, एक गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं, वो पहले स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा रोटी की? रोटी की लड़ाई। एक गरीब जिसके सर पे छत नहीं है, सर्दी आ गई है, बारिश आ गई है, तो वो रोटी की, छत की लड़ाई लड़ेगा या स्वाभिमान सम्मान की? एक व्यक्ति जिसके तन पे कपड़ा नहीं, वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा या अपने तन को सुरक्षित करने की? मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उन लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र खड़ा किया है कि जिससे कि हमारा आर्थिक सशक्तिकरण ना हो पाए, क्योंकि जिस पैसे वाले की भी ना एक क्लास है, वो किसी जाति का हो। शेड्यूल कास्ट के लोग तो अपनी हैसियत भूल जाते हैं पैसे वाले होने के बाद, अधिकारी कर्मचारी बनने के बाद उनको लगता है वो बदल गए, जबकि ये सच नहीं है। यहाँ तो आप राष्ट्रपति हो जाते तो भी आप वही रहते हैं, तब भी आपको वही राइट्स रहते हैं, तब भी आपको छूने के बाद आपको उस तरह की चीजों का भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूं और मेरा अनुभव है पूरे देश में काम करने और स्टडी करने से कि हमें इस लड़ाई को लड़ने और इस अब चीजों को रोकने के लिए ताकतवर स्टैंड लेने पड़ेंगे। यानी कि कहीं छोटी सी घटना होगी ना तो हम अपना काम और सब चीजें छोड़ के लड़ेंगे। जब तक ये एटीट्यूड हमारे लोगों के अंदर नहीं आएगा कि भूखा, हम भूखा आदमी रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, तब तक काम चलेगा ही नहीं। आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा। स्वाभिमान की एक एक वैल्यू होती है, कीमत होती है, चुकानी पड़ती है। जब तक आप वो नहीं चुकाना चाहेंगे ना, आज यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें 90% लोग यंग, कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं तुम? प्राइवेट कर्मचारी का क्या समझते हो? जिस दिन प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उस दिन उसको कुछ मिलेगा नहीं, गारंटी थोड़ा ही है। तो सरकार ने 71 साल में हमें दिया क्या है? अपमान अन्याचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ दिया क्या है? तुम नौजवान जो बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं? नहीं सर। आज जो राइट्स है अगर कल वो खत्म हो जाए, फिर जो जीवन होगा क्या उस जीवन के साथ जी लोगे? नहीं। थोड़ा सा बस बताऊं एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यहाँ महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। उसके लिए एक बड़े शख्स हुए टीपू सुल्तान, जिन्होंने पहली बार वो लड़ाई लड़ी कर्नाटक से बेंगलोर, समझ रहे हो? मैं बात तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, आपने अभी एक सोशल मीडिया पे एक मूवी आई थी ब्रेस्ट टैक्स, देखी आप लोगों ने? स्तन टैक्स देखी? ये कोई हवा हवाई बात नहीं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये रियलिटी है इस देश की। यहाँ वंचित वर्ग के लोगों को दिन के उजाले में निकलने की भी कीमत चुकानी पड़ी है हजारों साल, उनको अच्छा भोजन खाने की, मकान बनाने की, कपड़े पहनने की के लिए भी कीमत चुकानी पड़ी है। और आज आपको अगर जो मिला है ना, वो आपकी देन नहीं है, वो आपके पिताजी की देन नहीं है, वो देन है हमारे गुरुओं महापुरुषों संतों की, जिन्होंने अपने परिवारों का, अपने बच्चों का, अपने स्वार्थ, अपनी खुशियों का, अपनी सुविधाओं का बलिदान किया, तब आज हमें अधिकार मिले। उनके अधिकार से मिली चीजों को अगर कोई खत्म करना चाहेगा, छीनना चाहेगा, तो आप लोग क्या करोगे? क्या बस सिर्फ ऐसे ही मक्खियां झोलते रहोगे? नहीं
आपको अपनी लड़ाई को अपने कंधों पे लड़ना पड़ेगा। सिर्फ नीला पटका गले में डालने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने नीला पटका डाल लिया, जय भीम का नारा लगा दिया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया और सब कुछ हो गया, तो ये एक झूठ है। इस झूठ से बाहर निकलिए। जो काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है आप भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो दुश्मन तो अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा बताइए। वो चाहते हैं भारतीय संविधान जो तंत्र है, वे ऑफ लाइफ, जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उन्होंने कहा भी है, वो लोग कर भी रहे। आप बचाने के लिए क्या कर रहे हो सर? आप तो जो अधिकार है उनको नहीं बचा पा रहे। रिजर्वेशन है, प्रमोशन रिजर्वेशन राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रमोशन रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 16(4)A में प्रावधान है, आपको इक्वलिटी का राइट्स है, क्यों नहीं मिल रहा है? आपको न्याय का राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है न्याय, जन्मसिद्ध अधिकार है हर व्यक्ति का, क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं? यहाँ क्यों हम लोग चिल्ला रहे हैं? हम लोग वहां चल के क्यों? आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा है? क्या हम लोगों पे काम नहीं है? क्या आपके परिवार नहीं है? क्या आप पे रोजगार तमाम तरह चीजों के अवसर नहीं है? आप लोग, हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ लोकतंत्र का दुरुपयोग करके हत्या करने वाले को बचा दिया जा रहा है, और जो पीड़ित है उसको सताया जा रहा है, उसको और तोड़ा जा रहा है कि वो डर जाए, चुप होकर बैठ जाए। आज वो परिवार लड़ना चाहता, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप उनका साथ देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो कल ये न्याय बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। क्योंकि जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है ना, उसके मन में क्या बात आएगी कि इनको मारो पीटो कुछ भी करो, ये बोलने वाले नहीं, बोलने वाले समझ रहे हो? तुम शोर भी मचाओगे ना, आप सोशल मीडिया है, तुम शोर मचाओगे पूरी दुनिया को पता लगेगा। और तुम्हें कोई चिट्ठी देने आया था कि 2 अप्रैल के आंदोलन के लिए? हाँ सर। पूरे देश में 2 अप्रैल का आंदोलन कैसे हुआ? क्या कोई अखबार से, टीवी से कोई विज्ञापन कुछ चल रहा था क्या? ये आपके अंदर जो सदियों से जो गुस्सा पनप रहा था, जो आप चाहते हैं कि अपने अधिकारों की रक्षा हो, उसकी एक ताकत थी जो देखी, और उसके आगे ये सरकार झुकी, किसानों के सामने झुकी 1 साल में, आपके सामने झुकी 1 दिन में। लेकिन बलिदान देने पड़ते हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है, घर बैठ के काम नहीं चलेगा सर। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आज आप अवसर के रूप में इकट्ठे हुए, जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए ना, इनसे आधे लोग भी ईमानदार से काम करना शुरू कर दें तो ये एट्रोसिटी जड़ से खत्म हो जाएगी। और सिर्फ एट्रोसिटी खत्म नहीं होगी, आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आप जितने लोग हैं, मैं यहाँ की टीम का, जो लोग साथी यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद करता हूँ। वो खाना खा लें, हम लोग चलेंगे वहाँ, हम उनसे बात करेंगे। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, ये हाथ ऐसे करना बंद करो सर। जय भीम। मांगने वाला भिखारी होता है, देने वाला अब आपको 71 साल में आपका हाथ ऐसे क्यों है सर? ये खड़ा है, ये समझ रहे हैं? आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, आपका हाथ कैसे होना चाहिए उठा के देखो कैसा लगता है, जरा एक बार ऐसे करके। आदत नहीं पड़ी ना अभी आप लोगों को, देखो थोड़ी देर रख नहीं पाओगे, देखो चेक करके देखो। ये एक नेचर है, रूलिंग क्लास हवा में नहीं बनता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आप ऐसे करके देखो कितनी देर रख सकते हो। दाता का हाथ हमेशा ऐसे होता ना, अब देखो तुम, आपकी उंगलियां कांप जाएंगी, नहीं हो ना रूलिंग क्लास, आदत नहीं है ना, आदत ये है। और ऐसे करके देखो, अगर 10 मिनट भी उंगलियां कांप जाए तुम्हारी, चेक करके देखो ना अपने मनोबल को, कहां तुम्हारे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या, तुम्हारी सोचने क्या, कि वो कल्पना क्या है कि तुम कितना सोच सकते हो, तुम क्या सोच सकते हो कि ज्यादा ज्यादा क्या मिले, रोटी कपड़ा मकान नौकरी, बस यही सोच सकते हो ना। इससे लड़ाई नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि जिस विचारधारा को आप जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। क्या कोई और चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने? बताओ चाहता है कोई? जो लोग चाहते हैं वो भी वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो तो सही, रख पाए हो? नहीं बनी आदत, अभी तो आदत लड़ने की नहीं बनी, अभी तो अपने कॉन्फिडेंस अपनी ताकत को समझा पकड़ ही नहीं पाए हो। यार युवा को पता है क्या कहते हैं ना, युवा का विलोम होता है वायु, और ये वायु चलती है ना, किसी से नहीं रुकती। रुक रही है क्या? हम यहाँ तुम लोग घेरे भी खड़े, रुक रही है क्या? आ रही है ना, रास्ते बना रही है ना,
जैसे नदियों की धारा को बाउंड किया जा सकता है लेकिन लंबे समय रोका जा, ऐसे वायु को नहीं रोका जा सकता है। और युवा वायु होती है, अगर वो तय करे। 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 19 साल के थे सरदार करतार सिंह सराभा जब उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ऐसा देश थोड़ा ही मांगा था कि 71 साल बाद भी 75 साल बाद भी यही गैर बराबरी चलती रहेगी, इंसान इंसान ही नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है तो सर आपको लड़ना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ आए ना, मैं नहीं जानता वो मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे हजार लोग आएंगे चले जाएंगे, जब तक आप अपने मन से तय नहीं करते ना कि हमें करके दिखाना, तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके अंदर ये बात नहीं आई कि करना है, तब तक कुछ बनेगा ही नहीं। सर मैं कहता रहा हूं, मैं चिल्लाता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे लोग चिल्ला के चले गए। मेरे जैसे लोग कब तक जिंदा रह सकते हैं बताओ? कोई एक दिन की गारंटी नहीं रखी। यहाँ से जाते ही मेरी गाड़ी को कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई गारंटी दे सकता है? हमें नहीं दे सकता है, हमें नहीं पता है फ्यूचर। लेकिन हम फ्यूचर बना सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी लाइन तय करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं आपको, हर घर से ये बात, ये आवाज और ये लड़ाई की बात जो है ना, आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी और आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा अपना स्वाभिमान। यहाँ अगर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कपड़े नहीं होंगे सर। इतने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सर पे टोपी लगा के, ये नहीं होगी, समझ रहे हैं? ये आजादी नहीं होगी, बस ये आजादी और सब चीज छोड़ दो, क्या नहीं होता क्या नहीं, ये आजादी नहीं होगी। तो फिर अगर आपको कोई रूल करेगा तो फिर पशु में आपने फर्क क्या? तो आप नौजवानों से मेरा निवेदन है, मैं पुराने लोगों को ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करता क्योंकि वो बेचारे एक एज को करके आ चुके हैं अपना काम जो उनको करना। मैं तुम नौजवानों से पूछ रहा हूँ, गुलामी एक नेचर जिसके ब्लड में आई जाती है, इस ब्लड को निकाल दो, निकाल दो। जो गुलामी वाला ब्लड आपके अंदर है उसको निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं। गुलाम गुलाम होता है, उसका एक ही धर्म है जो मालिक का, वो करना है। लड़ाई शासक बनने की, लड़ाई पावर ट्रांसफर करने की, लड़ाई पावर कैप्चर करने की लड़ाई, लड़ाई है अपने अपने स्ट्रेंथ से अपनी ताकत बना के और अपने लोगों के लिए कानून बनाने की है। अब अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पहाड़ में जब दोबारा लौटूंगा ना, मैं इस स्ट्रेंथ को 10 गुना देखना चाहता हूँ। वो तब होगा जब हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। अच्छा सोचो, ये तुम तो वहां से हो काशीपुर से, अगर ये काशीपुर वाला व्यक्ति लड़ाई लड़ेगा तो इसके घर का भला होगा, अगर ये अपने घर के आगे बढ़ने लड़ाई पड़ेगा तुम्हारे घर का थोड़ा ही हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तुम्हें भी अपना घर आगे बढ़ता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। और आज जो मैंने बताया ना, आज जो ये स्वाभिमान सम्मान और ये ताकत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। जिस दिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, उस दिन देखना है देश बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर देश बन जाएगा, तब बनेगा अखंड भारत। इसको अखंड भारत का नारा जो देते हैं ना सरकार के लोग, झूठे। जहां जो देश अंदर से जाते धर्मों में इतना टूटा हो, कहेगा अखंड भारत? जहां इंसान पशु को सम्मान दिया जाए, पशु के पैर छुए जाए, उसके पेशाब को, उसके मूत्र को पी लिया जाए, और इंसान को जो जिसके पास ज्ञान है, जो जो अपनी ताकत को जानता है और जो स्वच्छता भी रख सकता है, उसको उसके छूने से यहाँ अपमान और सम्मान और ये सब चीजें मानी जाए, तो आप समझते हैं लोग थिंक ऑफ लेवल क्या है, समझ रहे हैं? मुझे आपसे यही कहना था, गोविंद जब चेक करना उनका खाना हो गया, कुछ चलेंगे कहीं भेजा? अच्छा कुछ जो यूनिट्स के लोग हैं वहाँ, वो कह रहे हैं मैं बैठ जाऊँ।